हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल अनीसा जी का किचन। तो आज भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस आप देख रहे हैं ये रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी का नाम है चीजी चिकन पिज्जा पॉकेट की रेसिपी, बहुत इजी स्टाइल में। चलो मम्मी बताओ। अब थोड़ा तेल डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन डाल दिए और चिकन डाल के काली मिर्च, नमक, अब आधा कप पानी डाल दिए और इसको अच्छे से बॉईल होने दे देंगे, है ना, और ढक के इसको छोड़ दिए पकने के लिए, बॉईल हो जाए जब तक पानी पूरा ना सूख जाए और चिकन ना गल जाए तब तक। चिकन गल गया, इस तरीके से चम्मच से दबा दबा के रेसेदार कर लेंगे। हाँ, नहीं तो आप इसको ठंडा होने के बाद हाथ से कर लीजिए, वो भी चलेगा। अब हम इधर आ गए, ब्रेड को किनारे किनारे अच्छे तरीके से काट लेंगे, चारों तरफ से इस तरीके से काट लो। काट के ऐसे सब हमने काट लिए। अब ये जो हो गया किनारी जो था ब्रेड का, या ब्रेड गम बना लेंगे। हाँ। मिक्सी के जार में डाल लिया और दो तीन ब्रेड इसमें एक्स्ट्रा डाल लिए। अब गैस ऑन करके सब वेजिटेबल जितना है ये सब हम इसमें चिकन में ऐड कर देंगे। चिकन में सब हम ऐड कर देंगे। इसमें गाजर, कैबेज, शिमला मिर्च और एक मिर्ची थी, इसमें नमक डाल दिए। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। और इस तरीके से आप देख लो, जैसे कि अनियन का कलर थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाए और खुशबू छोड़ने लगे तो तब समझ जाना कि अब हमको यहाँ पे सामान डालने। और दूसरे अब हमने मेयोनीज, केचप, सेजवान चटनी ये तीनों डाल दिए, मिक्स करेंगे अब इसमें हम। हाँ, खूब अच्छे से मिला लिए। ओरेगानो, चिली फ्लेक्स ये भी डाल के इसमें मिक्स करेंगे। अब हम मोजरेला चीज़ डालेंगे, अब इसको भी खूब अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब देखिए हमारा कितना अच्छा जूसी बन गया हमारा, ये एकदम चिकन और ये जो चीज़ हम मिक्स हो गया खूब अच्छा खुशबू आने लगा। अब कोथमीर डाल दिए थोड़ा, और यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देना। बंद कर दिया। अब हम इधर मैदा लिए, इसमें हम थोड़ा चिली फ्लेक्स, ओरेगानो डाले और पानी डाल के आराम से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्ब नहीं रहना चाहिए, लम्ब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए गाइस। अब इस तरीके से हमारा देखो हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे कर लीजिए। और अभी एक ब्रेड पे हमको जो बनाए थे हमने मिक्सचर चिकन का, ठंडा हो गया। अब हम ब्रेड पर बीच में इस तरह रखेंगे, जो बनाए मैदे का घोल वो किनारे किनारे लगा लेंगे। स्लरी को अच्छे से लगा के इसे अच्छे से पैक कर देना इस तरीके से। इसी तरह से ब्रेड के पॉकेट्स रेडी करके रख लेंगे, उसमें से डिप किए, फिर ये ब्रेड गम ने डिप करके रख लेंगे। हाँ, पहले स्लरी में आपको डिप करना है, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेना है और इस तरीके से आप यहाँ पे रख दीजिए। सारे इसी तरीके से बना लीजिए और आपको हफ्ते दो हफ्ते तक या तो महीनों तक की फुर्सत तक चलेगा। आप फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए और जैसे कि तेल गर्म हो जाए फिर इस तरीके से अपना जितना हो कढ़ाई में उतना छोड़िए। अब गोल्डन तरह एकदम बना लिए, लाइट गोल्डन होने तक के, इसको ज्यादा नहीं क्योंकि इसमें पहले से सब पका है और ज़्यादा आप करोगे ना तो ऑयल अब्सॉर्ब करता है, तो आप इस तरीके से ही रखें कि ज़्यादा जला भी नहीं लगे और अच्छे से पक भी जाए सब, है ना मम्मी। एकदम पक गया। और अब देखिए मेरी मम्मी आपको काट के दिखाएंगे। इस तरीके से काट के आप दिखाइए, बनाइए, खाइए। अब बहुत मज़े का बना था, अगर आप ये इफ्तारी में लगाएंगे तो बहुत तारीफ होने वाली है। और ये थी हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी होगी ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो मम्मी बताइए, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।